राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप सब अच्छे होंगे इसी आशा के साथ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेके आई हूँ। होता क्या है कि कई बार हमारे बच्चे या हम लोग जब रात में सोने के बाद अचानक से उठ जाते हैं और कहते हैं कि कोई बुरा सपना आ रहा है, और साथ ही ये हमें बहुत अधिक परेशान कर रहा है, और ये हम बातें हमारे दिमाग में इस तरह से घर कर जाती हैं कि हम पूरे दिन, हमारी पूरी दिनचर्या इससे प्रभावित हो जाती है और कई मानसिक और शारीरिक परेशानियां हमें घेर लेती हैं। होता क्या है कि चलो हम लोग तो इन चीज़ों को बता पाते हैं, पर जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो बोल भी नहीं पाते, वह इन चीज़ों से सर्वाधिक परेशान होते हैं, और साथ ही वह अचानक से उठ जाते हैं और उठ के रोने लग जाते हैं और पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि यह किस कारण से रो रहे हैं या किस कारण से प्रभावित हो रहे हैं। जिन जातकों का चंद्रमा कमज़ोर होता है और ग्रह दशा भी कुछ कमज़ोर होती है, वह इन चीज़ों से सर्वाधिक परेशान होता है। सबकी मनोदशा अलग होती है। कुछ बच्चे निर्भीक होते हैं, कुछ का स्वभाव हर चीज़ से डरने का होता है। इससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास में भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगर नींद ढंग से पूरी ना हो तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या हमारे सर में अजीब सा दर्द होने लग जाता है, आँखों में जलन, इस तरह की कई शारीरिक परेशानियाँ होती हैं, और यह मानसिक रूप से भी कई चीज़ों से हमें परेशान करती हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर पढ़ाई में या इन चीज़ों में बहुत अधिक कमज़ोर हो जाते हैं और अत्यधिक परेशान रहते हैं। बड़े हो या बच्चे, यह परेशानी हर किसी को प्रभावित करती ही है और आगे चलकर बहुत अधिक परेशानियों का सबब बन जाती है। सबसे पहले आप जब भी इन चीज़ों से परेशान हों तो एक दूसरे से यह बातें ज़रूर शेयर करें कि इस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे बच्चे तो इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, तो उनको हम ज्योतिष के अनुसार छोटी छोटी परेशानियों, छोटे छोटे समाधानों से उनका समाधान कर सकते हैं। यह काफ़ी प्रभावित करने वाले होते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे को पूर्व दिशा में हमेशा सुलाएं, यह काफ़ी फलदायी होता है। साथ में जिस कमरे में बच्चा सो रहा है उस कमरे में हमेशा हनुमान चालीसा का ऑडियो के सहारे धीरे धीरे धुन चलती रहे, तो यह इसके मानसिक और शारीरिक विकास में भी अत्यधिक प्रभावित करती है इसको। और साथ ही आपने बड़े बूढ़ों से भी सुना होगा ये बातें, लोहे का चाकू होता है जो, उसे तकिया के नीचे आप रख दें, इस तरह से रखें कि वह स्टील का, इन दिनों स्टील के भी आने रखे हैं, तो फिर इस तरह से ध्यान रखें कि वह लोहे का ही बना हो। लोहे की जो रखी हुई चीज़ होती है वह अत्यधिक फायदेमंद करती है, और इस तरह से रखें कि वह उसे हानि ना पहुंचाए। और साथ में बाहर जाएं, जो चीज़ जो ये लोग मानते हैं, जो सब इन चीज़ों को, वह इन चीज़ों से बहुत अत्यधिक फल प्राप्त करते हैं। मार्चिस भी रख सकते हैं आप तकिया के नीचे, यह बहुत ही अनेक कष्टों को दूर करने वाली होती हैं। और बच्चों के तकिया के नीचे आपने शायद ये बातें कुछ सुनी भी होंगी, आप हनुमान चालीसा रख सकते हो, यह भी कई कष्टों को दूर करने वाली होती है। कहते हैं कि जो मंत्रों में होती हैं वह अत्यधिक शक्तियां होती हैं। आप महामृत्युंजय का जप का पाठ भी कर सकते हो घर में, और संभव हो तो किसी पंडित जी से आप करवा भी सकते हो। अगर यह संभव ना हो या आपके पास समय का अभाव हो तो आप किसी ऑडियो क्लिप का सहारा ले सकते हो, और सुबह शाम इन मंत्रों का आप घर में इनको पूरे टाइम चला सकते हो, जिससे बच्चे और बड़ों में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। यह मृत्यु के भय और अन्य तरह के भयों को भी दूर करने वाला होता है। होता क्या है कि दिन भर बच्चे कई सारे टीवी सीरियल देखते हैं या कई तरह का उनके मन में डर होता है, जैसे उनको ऊंचाई से डर लग रहा है, किसी छोटी छोटी चीज़ से डर लग रहा है, या रात को सपने में अचानक उठ के बैठ जाते हैं और अचानक से रोने लग जाते हैं। बड़े और बच्चे सब इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो ये छोटे छोटे से उपाय करके आप बच सकते हैं। संभव हो तो पक्षियों को दाना जरूर डालें, संभव हो तो सात धान्य जैसा कहा जाता है उनको मिक्स करके आप उनका दान कर सकते हो। यह संभव नहीं हो तो सरल तरीके से आप कबूतरों को दाना डाल के भी इन
कुछ बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। और साथ में शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर कराने चाहिए ऐसे बच्चों को, यह भी काफ़ी लाभदायी और फलदायी होते हैं। कुछ लोग इसके बारे में किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाते क्योंकि यह सब कुछ बताने में उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती है। तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो वास्तु के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार हम लोग अपने घर पे करें तो बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से उपाय और बताना चाहूँगी। अगर आप यदि रात में सोते समय आपको डर लगता है या अचानक किसी तरह से डर की वजह से आपकी नींद टूट जाती है तो 5-6 छोटी इलायची को कपड़े में बांधकर अपने तकिया के पास रख लें। यह भी बहुत ही फल देने वाला होता है। यह बच्चे और बड़ों सब पर लागू होता है। और साथ ही एक और उपाय बताना चाहूँगी, नींद में डर से राहत पाने के लिए रात को सोने से पहले पानी से भरा हुआ तांबे का लोटा अगर अपने बिस्तर के पास रख लिया जाए और इस जो बचा हुआ जो पानी है तांबे के लोटे में भरा हुआ है उसे अगर किसी पौधे में डाल दिया जाए फिर सुबह उठते, यह भी कई डरों से वास्तु के अनुसार फायदेमंद होता है। साथ में अगर ये सोने से पहले बिस्तर को साफ़ सुथरा रखा जाए तो रात में किसी प्रकार का डर नहीं सताता। गंदे या अव्यवस्थित बिस्तर पर सोने से भी रात को अजीबोगरीब सपने आते हैं और हम इनसे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के जिस कक्ष में आप जिस बिस्तर में सो रहे हों उसमें चप्पल जूते खाट के नीचे ना हो व या बेड के नीचे ना हो, इसके कारण भी रात में डर लगना स्वाभाविक होता है। रात में सोने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चादर का डिज़ाइन ज़्यादा डार्क ना हो या चादर किसी भी तरह से कटी फटी ना हो। इन छोटे छोटे उपायों को करके हम इन चीज़ों से कई हद तक मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन सुख शांति और व्यवस्थित तरीके से पा सकते हैं। ये जो सारे उपाय मैंने बताए हैं यह बहुत ही कारगर और यूजुअल होते हैं जो ज्योतिष विज्ञान और वास्तुशास्त्र में एक विशेष स्थान रखते हैं। जैसा कि सबको विदित ही है कि नींद कितनी ज़रूरी है, अगर नींद अच्छी तरह से ना आए तो हमारा पूरा शारीरिक और मानसिक और पूरी दिनचर्या इससे काफ़ी हद तक परेशान रहती है और हम यह बातें किसी को खुलकर भी नहीं बता पाते क्योंकि ये बातें बहुत अपने आप में छोटी छोटी होती हैं और अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यह वीडियो आपको यूजुअल रहा हो और आप इन बिंदुओं में से कुछ भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण रहे हों तो इन वीडियो को बहुत सारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ। जय माता दी।